अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कश्मीर में एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो पहाड़ के नीचे जंगल के दामन में वाक़ है। ये आखिरी बस्ती यहाँ से आती है और मैंने सुना है कि वहाँ एक बुज़ुर्ग भी रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 150 साल से ऊपर है। तो दोस्तों, अब हम इस बस्ती के करीब पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम उस बुज़ुर्ग के घर जाते हैं और उससे कुछ बातें जान लेते हैं। तो आइए जाते हैं हमारे पुराने बुज़ुर्ग के पास। सबसे पहले मैंने इसको ये बोला कि आपकी उम्र क्या होगी। 150 साल। इस दौरान इसने ये भी बोला कि जब मैं 35 साल की उम्र का था तो उस दौरान कुपवाड़ा में खाली 9 दुकान हुआ करते थे, लेकिन अगर हम आज देखते हैं वहाँ इंसानों से ज़्यादा दुकान नज़र आते हैं। और इसके अलावा इसने 1947 का जो इंडो पाक वार हुआ था वो भी आराम से देखा है। मेरे ख्याल से ये उस वक़्त 50 साल की उम्र का होता। साथ में इसने ये भी बोला कि आज बड़े बड़े घर हुआ करते हैं, लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो कुछ इस तरह के घर हुआ करते थे, लोग इन घरों में रहते थे। देखिए, इसको मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। ये रहे पुराने घर। और इसने ये भी बताया कि जब मैं आपकी उम्र का था तब एक इंसान 200 साल की उम्र तक रहता था, लेकिन अगर हम आज देखें तो आज 70 से 80 साल तक रहता है बस। और अगर पुराने ज़माने में कहीं दूर जाना पड़ता तो घोड़े वाला रिक्शा हुआ करता था, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो इंसानों से ज़्यादा गाड़ियां ही नज़र आती है। और बताया कि जब हम पुराने ज़माने में खाना खाते थे कुछ इस तरह के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन, लेकिन अगर हम आज देखें तो कुछ नए नए देखने को मिलते हैं जो हमने पुराने ज़माने में नहीं देखे थे। और साथ में इसने ये भी बोला कि पुराने ज़माने में पावर नहीं हुआ करता था, कुछ इस तरह की चीज़ें हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम आज देखें तो आज कुछ नई चीज़ें रोशनी के लिए देखने को मिल रहे हैं।